व्यू की तरफ से नया स्मार्ट टीवी आया है। ये 4K तो है लेकिन एंड्रॉइड नहीं है। हाँ दोस्तों, क्या क्या है इस टीवी में, इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू आर वाचिंग टेक फीन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है व्यू का WebOS स्मार्ट टीवी। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, WebOS देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादातर LG के स्मार्ट टीवी में देखने को मिलता है। तो व्यू में आपको LG वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि WebOS देखने को मिलेगा। तो अभी डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन मिलेगा, बहुत प्रीमियम नहीं कहूंगा, व्यू के ट्रेडिशनल डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेजल्स भी पतले रहने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4K रिजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। डिलेड बैकलाइटिंग मिलेगा विद 10-bit FRC IPS पैनल के साथ। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको IPS पैनल दिया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों दो स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा, 43 इंच और 55 इंच, और दोनों में आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा विद डिलेड बैकलाइटिंग। और पैनल का ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 400 nits का पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों ही साइज के स्मार्ट टीवी में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो वीडियो फॉर्मेट है HDR10 और HLG उसका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 60Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिल जाता है। साथ ही साथ बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे AI पिक्चर बूस्टर दिया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आपके पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा बूस्ट कर देगा। AI अपस्केलर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड वीडियो को एक हाई डेफिनेशन के वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। अपस्केलिंग तो सभी टीवी में बेहतर होना चाहिए ही। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आई कम्फर्ट मोड भी देखने को मिलता है, ज्यादातर बच्चों के लिए या फिर ओल्ड एज लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी बहुत ज्यादा देर तक टीवी देख रहे हैं तो दोस्तों इस मोड के वजह से आपके आईज को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको गेम मोड भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक एनर्जी सेविंग मोड देखने को मिलेगा, जहां पे क्या होगा ज्यादातर आपका पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और एनर्जी सेविंग होगा। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा चीज है दोस्तों, क्योंकि हम अगर टीवी खरीदते हैं तो पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी हमेशा हमें अच्छा ही चाहिए, हम थोड़ा एनर्जी सेविंग करने के लिए उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये फीचर होना ना होना एक के बराबर है मेरे हिसाब से, आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। और अभी ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 40W का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलता है, 2 फुल रेंज स्पीकर जो कि फ्रंट फायरिंग है, जिसके मदद से आपको बहुत ही अच्छा ऑडियो क्वालिटी मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, साउंड भी लाउड होने वाला है, और 2 ट्विटर भी यहाँ पे दिया गया है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑडियो दोस्तों नॉर्मल से थोड़ा अच्छा तो होने वाला है। और अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है लेकिन एंड्रॉइड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, WebOS आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, LG से थोड़ा कॉपी कर रहा है। IPS डिस्प्ले भी LG का ही है और WebOS भी LG का है, तो LG से बहुत ही इंस्पायर्ड है Vivo। देखते हैं, अगर पिक्चर क्वालिटी LG जैसा कर दिया तो LG को लोग खरीदेंगे क्यों, Vivo ही खरीदेंगे, ये मेरा मानना है दोस्तों, सबका नहीं। और दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको 8GB का इंटरनल मेमोरी मिलता है, 1.5GB का रैम मिल जाता है, जो कि थोड़ा ज्यादा तो देना चाहिए था, 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल मेमोरी होना चाहिए था, बहुत कम है दोस्तों मेरे हिसाब से इस रेंज के स्मार्ट टीवी में। और दोस्तों उसके अलावा अभी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ब्लूटूथ मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं, लेकिन दोस्तों वॉइस सर्च का ऑप्शन आपको इस रिमोट में मिल जाता है। दोस्तों रिमोट इसका बहुत ही अमेजिंग है, इसके रिमोट में आपको बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है, हॉटकीज तो सब दिया गया है, वॉइस सर्च का एक बटन दिया गया है, आप इसे प्रेस करके कुछ भी कमांड कर सकते हैं अपने टीवी को। और उसके अलावा यहाँ पे आपको AR माउस की फीचर्स भी देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, AR माउस की मदद से आप बहुत ही आसानी से टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों। और साथ ही साथ रिमोट में आपको एक व्हील भी मिल रहा है, आप अगर उसे स्क्रॉल करेंगे, अप करेंगे या डाउन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शन करता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिमोट है इस रेंज के जितना टीवी है। लेकिन हमें टीवी से मतलब है, टीवी अच्छा हो तो खरीदना, रिमोट देख के टीवी को ही खरीदता है, लेकिन रिमोट जबरदस्त दिया गया है। और यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाता है, जिनमें से एक में आपको आर्क का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ 2 USB पोर्ट मिलता है, और दोस्तों मैं भूल गया, आपको क्रोमकास्ट भी देखने को मिल जाता है, स्क्रीन मिररिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो अभी एंड में आते हैं इसके प्राइस के तरफ। इसका जो दो वेरिएंट है 43 और 55, इनमें से 43 इंच वाला जो वेरिएंट है उसका कीमत है दोस्तों 23,999 रुपीज, और जो ये 55 इंच वाला वेरिएंट है उसका कीमत है 32,999 रुपीज। तो प्राइस मेरे हिसाब से डिसेंट, 55 इंच का 4K स्मार्ट टीवी आपको 33,000 में मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इस
हिसाब से बाकी सारा जो चीज रहना चाहिए वो दिया गया है। हालांकि यहाँ पे एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन इसे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज अच्छा दिया गया है, लेकिन रैम और इंटरनल मेमोरी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। बाकी ठीक ठाक ये दोस्तों टीवी, इतना अच्छा नहीं है, बुरा भी बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन व्यू की तरफ से जितना एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन ये फील नहीं करता है। तो यही सब था ये व्यू वेबओएस टीवी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपने टेकफिन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अगर अच्छा लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता है तो कीजिए, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।